नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएमटी न्यूज में और मैं हूं आप सबके साथ गरिमा। खबरों के विस्तार में जाएंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कानपुर के रमाशिव हॉस्पिटल का अजीबोगरीब कारनामा आया सामने। जिंदा मरीज को डॉक्टर ने मृत किया घोषित। मरीज की सांसें चलती थी, परिजनों ने किया हंगामा। फरुखाबाद में कक्षा 3 की छात्रा के अपहरण का प्रयास। अपहरणकर्ता ने पता बताकर स्कूल से छात्रा को बुलाया। छात्रा ने पहचानने से किया इनकार। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक कीट पत्थरों से कुचलकर हत्या। हत्या कर शव को से फेंका। फरुखाबाद में कोतवाली कायमगंज के नगला का यह पूरा मामला। फतेहपुर में रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की हुई मौत। दो गंभीर रूप से घायल। औंग थाना क्षेत्र के हाईवे का पूरा मामला। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 29 पैसे हुआ महंगा। अब पेट्रोल 82 रुपए और डीजल 73 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। और अब खबरों की ओर बढ़ेंगे विस्तार से। कानपुर के स्वरूपनगर थाना क्षेत्र स्थित रमाशिव हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर डॉक्टरों ने एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया और यही नहीं, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर थाने में पोस्टमार्टम के लिए सूचना भी कर दी। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई कि उनका मरीज जिंदा है तो उन्होंने थाने में तहरीर दी और डॉक्टर पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के रहने वाले सुनील यादव के चाचा फूल सिंह यादव का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर परिजनों ने उन्हें स्वरूप नगर स्थित रमाशिव हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था और दोपहर भर चले इलाज के बाद शाम को डॉक्टर एके सिंह ने फूल सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि 8 बजे के आसपास मरीज की सांसें चल रही थी। इस बात की जानकारी होने पर परिजनों ने हंगामा किया और थाने में डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दे दी है, जिस पर पुलिस का कहना है कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो बाईपास पे गए थे बिलंदा फतेहपुर कहां में पर कहां पर? बिलंदा बाईपास फतेहपुर में हुआ था और हम लोग उनको सुबह 11 बजे रामाशिव हॉस्पिटल फतेहपुर से लेके आ गए थे कानपुर में। और उनका यहां पर क्या बोलते हैं कि 11 बजे से लेकर ट्रीटमेंट चला है और चार बजे इन्होंने बोल दिया कि आपका पेशेंट जो है वो डेड हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं की कापियों को जांचने के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि दरअसल कम नंबर आने के बाद उन्नाव जनपद की एक मेधावी छात्रा ने स्क्रूटनी कराने के आवेदन किया, लेकिन छात्रा के फॉर्म पर विचार नहीं किया गया, जिसके बाद छात्रा ने RTI की मदद ली और छात्रा 39 अंक बढ़त के साथ प्रदेश के टॉप 10 सूची में शामिल हुई। हम सबको खुशी हासिल हुई है और अच्छा लगता है जब आदमी को उसकी मेहनत का, उसकी परिश्रम का उसका फल मिलता है तो बेइंतहा खुशी होती है, सबको होती है और हम लोगों को भी हुई। लेकिन एक मलाल रह गया कि शायद उस समय ऐसा हुआ होता तो ये खुशी हम सबके साथ शेयर करते। और चाहे जनपद स्तर पे हो, गांव स्तर पे हो, हमारे विद्यालय स्तर पे हो, उस दिन परिणाम, परीक्षा परिणाम देखने का जो एक हर्ष उल्लास का जो वातावरण होता है, अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले जब रिजल्ट निकला तो मेरे 70 में से 91 उसके बाद मुझे पूर्णतः विश्वास था कि मेरे साथ, मतलब मेरे इतने कम नंबर नहीं आ सकते। कानपुर देहात पुलिस ने हत्या के मामले में एक साल से फरार चल रहे आरोपी बबलू कठेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस को चकमा देकर नेपाल चला गया था और जिस पर 50,000 का इनाम भी
घोषित था। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा, दो कारतूस, एक मोबाइल, दो सिम कार्ड, नेपाली सिम कार्ड के साथ ही नेपाली मुद्रा सहित 10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ कई जनपदों में पहले से ही संगीन धाराओं में 19 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल मामला अगस्त 2017 में डेरापुर थाना क्षेत्र के कटेही में एक युवक की हत्या का है। इटावा में समाजवादी सेकुलर मोर्चा काफी सक्रिय दिख रहा है और लगातार सपा के समर्थक और प्रशंसक सपा को छोड़कर समाजवादी सेकुलर मोर्चा के सदस्य बन रहे हैं। सपा के जिला सचिव रहे अजय राज दुबे ने कई समर्थकों के साथ सपा से इस्तीफा देकर समाजवादी सेकुलर मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने कहा है कि सपा अपने मूल सिद्धांतों, नीतियों और समाजवाद के रास्ते से भटक गई है। पितृपक्ष के मौके पर कानपुर प्रेस क्लब के संरक्षक सरस वाजपेयी की तरफ से दिवंगत हो चुके पत्रकारों के तर्पण का कार्यक्रम किया गया है। हरबंस मोहाल स्थित मालवीय पार्क में महाभागवत का आयोजन किया जा रहा है और कथा के पांचवें दिन कानपुर प्रेस क्लब के संरक्षक श्री सरस वाजपेयी ने पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और वहीं श्री कृष्ण जी को 56 प्रकार का भोग भी लगाया गया और रासलीला का आयोजन भी किया गया। छप्पन भोग का प्रसाद बटा, कल कृष्ण जन्म हुआ था और 9 तारीख तक कथा चलेगी, 10 को हवन और कन्या भोज और भंडारा चलेगा दिन भर। मालवी पार्क है हरबंस मोहाल में, वहीं पर ये सब हमारे जितने भी प्रेस क्लब के पत्रकार साथी हैं या कानपुर नगर के पत्रकार साथी हैं उन्हीं के पूर्वजों के शांति के लिए ये कथा पत्रकार भाई सब शुरुआत करिए प्रेस क्लब से। कानपुर प्रेस क्लब द्वारा और कानपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा और हमारे भाई मनोज वाजपेयी द्वारा मालवीय पार्क में एक भगवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें जिसका उद्देश्य यही है कि हमारे पत्रकार साथी और उनके पूर्वज उनके कल्याण के लिए इस कथा का आयोजन किया कराया गया, जिसमें आज पाँचवा दिन था
हमारे कानपुर प्रेस क्लब के संरक्षक बड़े भाई सरस वाजपेयी जी ने यहाँ पर आज पूजा अर्चना करी। अग्रवंश के संस्थापक महाराज अग्रसेन की जयंती पर कानपुर के जेएनके इंटर कॉलेज में श्री अग्रवाल सभा के तत्वाधान में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कवियों ने विभिन्न विधाओं से मौजूदा समाज को रेखांकित किया है। कवि सम्मेलन की शुरुआत इंदौर के किशोर कवि चेतन चर्चित ने की और उनके व्यंग दिल्ली में केजरीवाल रायता फैला रहे, राहुल जी उपवास में भटूरे खा रहे, मोदी जी ने कहा सब पकौड़े बनाइए सुनकर तालियां बटोरी, और इस प्रकार से कवि शीश अनल लखनऊ के सूर्य पांडे और गौरव चौहान प्रीति अग्रवाल सुदेव भोला आदि ने अपनी रचनाएं सभी को सुनाई। प्रताप फौजदार सुरेश अवस्थी कीर्ति काले सुरेंद्र कुमार पांडे आशीष अनल सुदीप भोला शंभु शिखर गौरव चौहान प्रीति अग्रवाल चेतन चर्चित। ये कल सम्मेलन थोड़ी देर बाद शुरू होगा और चार घंटे तो कम से कम चलेगा। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के बस्तीखेड़ा गांव में एक लापता बच्चे का गांव के बाहर शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्चे के गले में चोट के निशान पाए गए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र के बस्तीखेड़ा गांव का है, जहां कल राजेश नाम के व्यक्ति ने डायल 100 पर सूचना देकर पुलिस को बताया था कि उसका 6 वर्षीय बेटा खेलते खेलते कहीं चला गया है। कई घंटों तक पुलिस ने वहां पर पहुंचकर खोजबीन की, पर इसके बाद भी बच्चा नहीं मिला। और आपको बता दें कि बच्चे का जब कहीं पता नहीं चला तो वहीं सुबह शौच के लिए जा रहे किसी ने बच्चे का शव पीछे झाड़ियों में पड़ा हुआ देखा और बच्चे के परिजनों को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगभग 5:30 के करीब राजेश लोधी निवासी ग्राम बस्ती खेड़ा ने थाना अचलगंज पर सूचना दी। यह सूचना डायल 100 के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कि एक छः वर्षीय पुत्र शिवम उर्फ कृष्णा खेल रहा था गांव में ही घर के सामने, उसके बाद से वो मिल नहीं रहा है। इस सूचना पर डायल 100 की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर गांव वालों के सहयोग से पूरी रात लगभग 2:30 बजे तक बच्चे की तलाश की, परंतु बच्चा कहीं नहीं मिला। प्रातः 5 बजे से पुनः पुलिस व गांववासियों ने तलाश शुरू की तो तब गांव में ही एक घर के पीछे खेत में झाड़ियों में इस बच्चे का शव मिला। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। मम्मा बैग बहुत हैवी है। दूध अंडा दाल सब देती हूँ पर ताकत फिर भी नहीं। सिर्फ ये सब काफी नहीं है, उसे रोज दे धाकड़ प्रोटीन। वो किसमें है? हथनी के दूध में, शुतुरमुर्ग के अंडे में, पूरी खरपतवार में। किसकी सुनूं? न्यूट्रेला सोया चंक्स की सुन, इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। ये है रोज ताकत परोसने का टेस्टी और हेल्दी तरीका। तो अब धाकड़ प्रोटीन को लेकर नो कंफ्यूजन, हेल्दी रहना सिंपल है। मेरा पूरी शहर वासियों से अपील है कि प्लास्टिक पर अगर बैंड है तो उसका प्रयोग न करें, वो हमारे साथ मिलकर के स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का आरंभ होने जा रहा है, अतः नगर निगम कानपुर के सहभागी बनकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। कूड़ा गाड़ियों को सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अलग अलग दें। उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबंधित है, अतः पॉलीथीन का प्रयोग कतई न करें। तो आइए नगर निगम कानपुर के साथ महानगर कानपुर को
स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वोत्तम स्थान दिलाए। सम्मानित महानगर वासियों, आप सभी से अपील है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 जिसका काउंटडाउन प्रारंभ हो गया है, आप स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर को आगे लाए। स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें, उस पर अधिक से अधिक शिकायत करें, शिकायत निस्तारण के बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके साथ ही साथ सभी अच्छी गतिविधियों को स्वच्छ मंच पे आप उसको पोस्ट करें और अपने शहर से पॉलीथीन को दूर भगाएं, पर्यावरण के अनुकूल शहर को बनाएं, प्रदूषण मुक्त बनाएं। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप सभी का स्वागत है। कानपुर के नयागंज स्थित कोठारी भवन में दिगंबर जैन खंडेलवाल सभा की तरफ से क्षमावाणी पर्व एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सभी जैन समाज के लोगों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और मिलजुल कर साथ रहने की भी बात कही है। इस दौरान जैन धर्म के पंचगण त्यागी व्रती व बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम जिनमें फैंसी ड्रेस, डांस कॉम्पिटिशन, नाटक, संगीतमय तंबोला व डांडिया रास का भी आयोजन किया गया है और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कुमार जैन कासरीवाल जी ये इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। हमारी एक संस्था है श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल सभा, जो कि पिछले 50 साल से क्षमावाणी का उत्सव है, जो हम लोग का साल भर का एक क्षमावाणी का पर्व होता है, उसके उत्सव पर हम लोग यहाँ क्षमा पर्व मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं और उसके बाद प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम वगैरह होते हैं, आपस में मिलते हैं, उसका शाम को खाना होके फिर शाम को फिर थोड़ा सा प्रोग्राम होके प्रोग्राम होते रहते हैं। इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर चलते रहते हैं। 50 साल से हमारी संस्था चली आ रही है। इसमें हम लोगों का एक तरीके का ये है कि आपस में क्षमा भाव, मिलन समारोह, जिससे जो आपस में एक दूसरे से जो व्यवहार बना रहे, मिलन समारोह की वजह से एक दूसरे से टच बना रहता है। उसके बाद हम बच्चों का प्रोग्राम करते हैं और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। और मतलब ये जो हम लोग यहाँ 10 दिन दशलाक्षी का व्रत करते हैं या 3 दिन का उपवास करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। राजेंद्र स्वरूप हॉल सिविल लाइन्स में प्रतिष्ठित लेखिका का, आपको बता दें कि लेखिका डॉक्टर लता कादंबरी गोयल की पुस्तक ट्वीट कहानियों का विमोचन किया गया है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र मोहन गुप्ता के साथ ही भोपाल से आई कवित्री और लेखिका ममता तिवारी ने हिस्सा लिया। डॉक्टर लता कादंबरी ने बताया है कि इस पुस्तक में हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमते विषयों पर छोटी छोटी कहानियां हैं। इस पुस्तक की कहानियां पंचतंत्र की याद दिलाती हैं। नाम से पुस्तक नहीं आई है, उसका भी विमोचन है। मैं लगभग 8-10 सालों से लेखन के क्षेत्र में हूँ। इससे पहले भी मेरी दो और किताबें आ चुकी हैं, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से, और इससे पहले बुक थी उसका नाम बॉन्साई था, और इससे पहले बट्टे से दबी तारीखें थी, और ये सारी ही अमेजोन पे आपको उपलब्ध होंगी।
कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में जानता राजा नाट्य का आयोजन 20 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा और जिसके शुभारंभ के मौके पर राज्यपाल राम नाईक शिरकत करेंगे। इस बात की जानकारी अध्यक्ष उमेश पालेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया है कि जानता राजा की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक की जा सकती है। 200 रुपये से लेकर 5000 तक का टिकट है और एक साथ करीब 7000 लोग इस नाटक को देख सकते हैं और हमारा उद्देश्य इसके जरिए लोगों को छत्रपति शिवाजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करवाना है। बीस से 25 अक्टूबर को CSA के जो ग्राउंड है उसमें ये प्रोग्राम हो रहा है और ये एशिया का लार्जेस्ट और विश्व का नंबर दो पे जो है ये प्रोग्राम है। स्टेज शो है, शिवाजी के जीवन पर आधारित है। ये शिवाजी के जीवन पर आधारित हम लोग जो मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को, शिवाजी कैसे एक सैनिक पुत्र होकर के छत्रपति बने। उनकी जो माँ थी जीजाबाई, उन्होंने बचपन से ऐसे संस्कार दिए गर्भ से लेकर के पूरे बचपन से कि वो एक सैनिक से उनके अंदर वो भावना भरी कि कैसे वो जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, मुगलों की विषमता थी, कैसे वो पूरे राष्ट्र को एक में मिलाएं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, अच्छा प्रशासन दिया उन्होंने। और उनका जो है अन्य राजाओं की अपेक्षा, अन्य राजा तो कुछ लोग लड़ते थे अपना सीमा बढ़ाने के लिए, लेकिन ये छत्रपति होते हुए भी उन्होंने अपने गुरु को के रूप के राजा माना, खुद एक प्रशासक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। का उद्देश्य बेसिकली क्या है कि समाज में शिवाजी के माध्यम से जो उनके चरित्र था उससे कैसे हम लोग प्रेरणा लें, कैसे समाज में उनका हम लोग समाज में एक संचार हो, संस्कार आए, ये सब आगे बढ़े, राष्ट्र की भावना। अलग सेंटर्स बने हैं, लिटिल शेफ एक सेंटर है, नवीन मेडिकल स्टोर है, दीनदयाल उपाध्याय स्कूल में है, SD कॉलेज में है, BNSD शिक्षा निकेतन में है, तो सब जगह पर सारे टिकट्स रखे गए हैं, उपलब्ध हैं, हम लोग जाकर वहां से ले सकते हैं। बाकी एक वेबसाइट भी जानता राजा के नाम से ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, एक्टिव है बहुत, और उसमें जो भी एक बुक माई शो से भी हम लोग बुकिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से टिकट हर जगह अवेलेबल है। 20 और 21 तारीख का तो नियरली हम लोग सोल्ड आउट हैं तकरीबन। हमारा बहुत चेष्टा ये है कि केवल ये नहीं कि 5000 का वो हो, उसमें सहयोग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर देखें। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए GMD न्यूज आमजन की आवाज। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक,